हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजिंदर सिंह है और आप देख रहे हैं ऑल बर्ड्स एंड एक्वेरियम ट्रीटमेंट केयर चैनल। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, वो कैल्शियम की कमी होने से बर्ड्स में क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रेंड, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके बारे में आपको मैं एक अच्छी दवा बताऊंगा। और उससे पहले फ्रेंड, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आगे प्रेस करें, मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड, मैं आपके लिए नई से नई मेडिसिंस और उनके बारे में, बर्ड्स के उपचार के बारे में मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग जो बर्ड्स पालते हैं, उनके ब्रीडिंग टाइम आते ही, जब वो ब्रीड करते हैं, एगले करते हैं, तो उनके जो एग शेल होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कच्चे होते हैं। ये प्रॉब्लम देखी गई है अक्सर। अगर शेल पूरा हो तो उनके बच्चे निकलते हैं और बच्चे कंडम से लगते हैं। कंडम बच्चे वो होते हैं जिनके जो फैदर्स होते हैं वो कम आते हैं और हल्के हल्के ग्रोथ करते हैं, लेकिन वो अपने टाइम में आ तो जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगता है उनको अपने फैदर को पूरे लाने में। वो सब कैल्शियम की वजह होती है फ्रेंड। ये ज़्यादातर दिक्कत जो है बजरीगर तोते जो होते हैं उनके संग साथ में ज़्यादा आती है, क्योंकि वो दो नहीं 5 से 8 अंडे देते हैं और जब इतने अंडे देंगे तो उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी तो होगी और कैल्शियम की कमी होने की वजह से बर्ड्स कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड, और आने वाले टाइम में ब्रीड के लायक भी नहीं रहते। कैल्शियम की कमी होने से मादा बर्ड्स को एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हाथ पैर मुंह में लकवे की समस्या भी हो सकती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं तो कैल्गोफोर्स यूज़ करता हूँ। मेरे संग साथ भी यही परेशानी हो रही थी। मादा जब 8 अंडे दे रही थी तो उसके बाद 2 से 4 बच्चे खराब निकल रहे थे। मैं सोच रहा था फ्रेंड कि इसके माता पिता कंडम होंगे इसलिए बेकार बच्चे निकल रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने ये समस्या देखी फ्रेंड, तो फिर मैंने एक अच्छे ब्रीडर को बुलाया अपने घर और उनको चेक करवाया। अपने ये चिक्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने कैल्शियम की इसके अंदर कमी बताई और उसके बाद मैंने कैल्शियम के बारे में लोगों से पूछा। लोगों ने मुझे कैल्गोफोर्स बताई और उसके बाद फ्रेंड मैंने सोचा, मतलब जो है कि कहाँ मिलेगी। मैंने वेटरनरी शॉप पे भी देखी, लेकिन किसी ने सजेस्ट करा कि आप पोल्ट्री शॉप पे जाइए, और पोल्ट्री शॉप पे मैं गया तो उन्होंने मेरे को ये कैल्गोफोर्स बॉटल दी। ये एक लिक्विड सप्लीमेंट है और नेचुरल सप्लीमेंट है। वैसे तो ये कोई मेडिसिंस नहीं है फ्रेंड, और ना ही ये कोई मल्टीविटामिंस है। ये एक लिक्विड सप्लीमेंट है जो कि पोल्ट्री के लिए बना है, मुर्गियों के लिए बना है, और ना कोई ये अदर जैसे बड़ा जानवर होता है जैसे गाय भैंस, उसके लिए नहीं है, सिर्फ पोल्ट्री के लिए है। और मैंने सोचा था, मतलब मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि ये लगाते हैं, तो जाहिर बात है कि जब इतनी क्वांटिटी में जब वो मुर्गियाँ पालते हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होता होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स का मिश्रण है। इसका बेनिफिट क्या है, हेल्प टू मेंटेन हेल्थी बोन्स एंड जॉइंट्स, मतलब बच्चों की हड्डियां मजबूत और हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एग शेल, मतलब जो बर्ड्स एग ले करते हैं उनके खोल कमज़ोर और कच्चे होते हैं, ये उनको मजबूत और ताकि अंडे ख़राब ना हों। तीसरा है मिनरल बैलेंस। मिनरल बैलेंस मतलब जो कैल्शियम और मिनरल बैलेंस करता है फ्रेंड, जो हम लोग समुद्री झाग और कैल्शियम ब्लॉक, मतलब जो उसका पेरिसोप्लास्टर का, मतलब जो हम लोग गोल, मतलब गोल बना के कैल्शियम ब्लॉक देते हैं, उसकी आपूर्ति पूरी तरह से अच्छी तरह से करता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आज आपको इसको किस तरह से बर्ड्स को देना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है और अभी मैं गेज लेता हूँ। ये देखिए 10 ml का गेज है और इसमें पहले मैं 10 ml डालता हूँ। ये देखिए 10 ml का गेज है। ये अक्सर आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा ये गेज। और अभी इसके अंदर 5 ml और डालूँगा मैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इसके अंदर 5 ml मिक्स करूंगा अभी।
तो देखिए फ्रेंड कितना ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर कैल्शियम की और मिनरल्स की आपूर्ति ज़्यादा है, लेकिन दिखने में कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है। और इसका टेस्ट भी मैंने थोड़ा सा करके देखा था, वो एकदम जैसे नमकीन नमकीन जैसा था। और अब हम किसी भी चीज़ से इसको चला लेंगे, ये देखिए फ्रेंड। और ये शाम तक जब तक ये पानी रहेगा, जब तक वो बड्स पी नहीं लेंगे, तब तक इसके अंदर जैसे कि हम कोई भी जैसे कि कोई मेडिसिन कैल्शियम डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन इसमें बैठने का कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कुछ दिख नहीं रहा, कोई स्मेल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड ये मैंने आपको दिखाया है, इसको आप यूज़ बड्स को करवाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आगे प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले, और मैं आपके लिए नई से नई मेडिसिन लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड।